झोने की लेट खरीद नू लैके सरकार दे खिलाफ किसानां दा गुस्सा साफ देखा जा सकता है। हरियाणा दे किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी वालों समूह किसानां दा धन्नवाद किया गया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अते जेजेपी नेतावां दा किसानां वालों विरोध किया जा रहा है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानां दे लई जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है उस दे विच गंदा पानी है जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों नूं धक्के मारे गए अते उन्हां नाल माड़ा वतीरा किया गया जो कि अति शर्मसार है, पर किसानों ने धक्के खाण दे बावजूद भी अपना संयम नहीं खोया जो कि बेहद शलाघा योग है। गुरनाम सिंह ने कहा है कि सरकार ने एक होर तुगल की फरमान जारी कर दिता है कि एक किले तो 25 क्विंटल झोना खरीदया जाएगा अते इसकी खरीद भी 11 तरीक तो ही शुरू होगी जो कि अंदोलन नूं प्रभावित करन अते किसानां नूं तंग करन दी एक कोझी कोशिश है। उन्हें कहा कि जेकर अज सरकार झोने की खरीद शुरू नहीं करती तो सारे किसान कल दे लई तैयारी कर लैन, बीजेपी के सारे नेतावां अते विधायकां दा घिराओ किया जाएगा। तो हरियाणा में जो हरियाणा के किसान भाई जगह जगह विरोध कर रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, आभारी है उनके। जो हरियाणा के अंदर हर जगह पे जहाँ बीजेपी और जेजेपी का नेता जाता है उसका बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ज़ोरदार विरोध करते हैं। और जैसे आज झज्जर में हुआ है, सरकार ने वाटर कैनन का इंतजाम किया और वाटर कैनन में पानी भी जो है वो जो फुहारे में नज़र आ रहा है वो गंदा पानी है और ये ह्यूमन राइट के भी विरुद्ध है। ह्यूमन राइट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और जिस तरीके से वहाँ पर धक्के मारे हैं अति शर्मसार है। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने किसान भाइयों का जिन्होंने धक्के मारने के बावजूद भी पूरी शांति बनाए रखी है, किसी ने वहाँ पे उपद्रव नहीं किया है, उन सबका धन्यवाद है। और ऐसे ही इंद्री में किया है, इंद्री के किसानों ने बहुत ज़ोरदार तरीके से विरोध किया, बीजेपी के नेताओं को पुलिस की गाड़ियों में निकाल के ले गए हैं। तो हरियाणा के सभी किसानों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिस तरीके से आप 2-3-4 जगह रोजाना इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो और आप इस आंदोलन को पूरी तरह से धार दे रहे हो। और इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि सरकार ने एक और तुगल की फरमान जारी कर दिया है कि एक किले से 25 क्विंटल धान खरीदी जाएगी और वो भी खरीद 11 तारीख से शुरू होगी, जबकि हमने 25 तारीख से खरीद शुरू करने की डिमांड की थी और 1 तारीख से सरकार ने शुरू करने के लिए कहा था, 1 तारीख से तो हर साल होती ही है। तो ये हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब करने की भी एक बात हो सकती है और या हमें प्रताड़ित करने की, किसान को दुखी करने की भी एक बात है। तो कल के लिए हम सब किसानों से बेनती करना चाहेंगे कि किसान आज अपनी पूरी तैयारी कर लें और अगर आज खरीद सरकार शुरू नहीं करती है तो कल हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के सभी नेता, चाहे उसमें एमएलए हैं एमपी हैं, उन सभी का उनके घरों का घेराव करना है और सब ने करना है, हर जगह से अपनी तैयारी करें। पूरे हरियाणा में कल हमने सवेरे 10 बजे जो है इनके घरों का घेराव करना, उसके लिए सभी भाई अपनी अपनी जगह पे अभी से तैयारी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।